स्टार्ट कर देते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर देंगे, सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ठीक है, चलिए अब देखिए भगवान यहाँ पे क्या करते हैं। अब सबसे पहले अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं भगवान से। ठीक है, क्या पूछते हैं प्रश्न? श्लोक नंबर 1 और 2 दोनों में देखिए अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्या उत्तर देते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदीतु मिक्षामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते एतद् तु व्यतीतम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। हे श्री कृष्ण, हे माधव, मैं जानना चाहता हूँ ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, जरा इसके बारे में मुझे डिटेल से बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह जो शरीर है ना, ये तुम बॉडी देख रहे हो, यहाँ पे हाथ पैर नाक मुंह हम देख पाते हैं, ये संपूर्ण शरीर एक क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र मतलब एक एरिया कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि एक वह जगह कहलाता है, इसको एक जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जगह। ठीक है, या स्थान, एक क्षेत्र कह सकते हैं। क्षेत्र यानी इंग्लिश में रीजन हम बोल सकते हैं, रीजन REGION, वह एरिया। जैसे क्या होता है कि कोई जमीन होता है तो इतना का रीजन है या क्षेत्र है, इसमें इतना बाई इतना का जमीन है, तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं जो शरीर है हमारा इसको क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता है, अगर क्षेत्र है तो वहां पे या तो कोई खेल का कार्यक्रम होगा, या वहां पे मकान बनाए जाएंगे, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, तो वो तो कार्य है, लेकिन किस पे बनाई जाएंगी? जमीन पे। वो जमीन क्या है? वो क्षेत्र कहलाता है। इसी तरीके से यह शरीर क्या है? यह क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह कौन है? यह शरीर क्या है? क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जो जानता है, अच्छी तरीके से जानकार होता है, वो क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ। जैसे जमीन है, ठीक है, और जमीन के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला या तो जमींदार होता है, या तो जो जमीन दूसरों को दिलवाता है उसको भी पूरी जानकारी होती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर जो है वो क्या है? एक क्षेत्र है, रीजन है, और इसको जानने वाला, इस शरीर को समझने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो भगवान कृष्ण आगे देखिए क्या कहते हैं। जैसे अर्जुन के क्या प्रश्न थे? प्रकृति कौन है, ठीक है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय क्या है आखिर। ठीक है, अब देखिए क्या करके भगवान क्या आंसर देते हैं। श्लोक नंबर 3 में देखिए, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यत्र जज्ञानम मतम ममम। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी क्या समझना चाहिए, मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, या मेरी राय है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, आपको यह समझना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। मैं ही, यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको समझना चाहिए मैं इस शरीर का ज्ञाता हूं, क्योंकि मेरे ही कारण सभी देवी देवता लोग, उनके जो भी आध्यात्मिक शरीर हैं, या दैविक शरीर हैं, या मनुष्यों के लिए भौतिक शरीर हैं, सब के सब का जन्मदाता कौन है? मैं हूं। और इस शरीर और उनके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा था क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। भगवान ने कहा, क्षेत्र क्या है? ये तुम्हारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं। और फिर ज्ञान क्या है और ये क्या है? ज्ञान क्या है? इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं। अगर हम
ऐसे आत्मा, हम आत्मा ही हैं। अगर हम इस शरीर को जाने और इसको जानने वाले यानी भगवान को भी हम जान लें, इन दोनों को समझ लें, तो हम हमें क्या हो गया, हमें उसका ज्ञान हो गया। ठीक है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च सचयो यत् प्रभावश्च ततस्मासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अब तुम मुझसे समरी सुनो, संक्षेप में सुनो, ये कर्म क्षेत्र क्या है। भगवान ने बोला था ये शरीर क्या है, क्षेत्र है, तो ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र कैसे, कर्म क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कि इस शरीर के द्वारा हम सारे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जो कि इस शरीर द्वारा ही होते हैं। तो ये क्या करता है शरीर, कर्म करता है, और इस शरीर को क्या बोला गया है, क्षेत्र। तो ये शरीर का नाम क्या हुआ, कर्म क्षेत्र। क्या नाम है सर, कर्म क्षेत्र। तो यही भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं अर्जुन, कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से ये कर्म क्षेत्र बना है, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में डिटेल से सुनो। ठीक है, अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, ऋषि भीर बृहुदा गीतम छंदो भीर्वी विदे पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैवा हे तुम दिभिर निश्चित है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समस्त समेत प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनिए क्या भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग तरह के ऋषियों ने, विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। कार्यकलाप यानी किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति उसको कहते हैं कार्यकलाप के क्षेत्र, और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। कार्यकलापों का क्षेत्र यानी शरीर, और इस शरीर को जानने वाले कौन, भगवान, वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है भगवान के द्वारा, कि अलग-अलग ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इस शरीर के बारे में, इस शरीर को जानने वाले के बारे में, और इस शरीर को जो जानता है, और यानी कौन है शरीर को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, और ये शरीर क्षेत्र, इन दोनों को समझने वाला जो व्यक्ति है उसके पास क्या है, ज्ञान है। ठीक है, तो इस तरीके से ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथों में इन चीज को संकलन किया है, लिखा हुआ है कि अलग अलग कार्यों के लिए जो व्यक्ति इस शरीर को जानता है, अलग अलग कार्यों के लिए जो इस शरीर को जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ है, जो इन दोनों को जानने वाला आत्मा है यानी वो ज्ञान जो आत्मा जानता है, ठीक है, उसका वर्णन हर ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब कुछ संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है, विकार कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, पंच महाभूत यानी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था, कौन है तीन गुण, सतगुण रजगुण तमोगुण, दस इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां यानी आपकी नासिका यानी नाक कान आंख जीवा और त्वचा, और पांच कर्म इंद्रिय यानी आपकी हाथ पैर, ठीक है, कमर के नीचे का भाग, ठीक है, ये सब कर्म इंद्रिया में आती हैं, आपका मुंह मुख जो बोलने के काम आता है, ठीक है, और आपका जो पूरा आपका जो
ये है ना आपका चरण, मतलब कि जो आप कह सकते हैं इसको टू, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? पांच कर्म इंद्रिया में। तो 10 आपकी इंद्रिया हुई और उसके साथ मन, पांच इंद्री विषय यानी आंख कान नाक जीवा और त्वचा के द्वारा जो भी चीज भोग किया जाता है, जो भी चीज देखा सुना जाता है महसूस किया जाता है, वे कि सभी के सभी पांच इंद्रिय विषय हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको मतलब कि यह सारे कार्य कौन करता है? क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? वह कर्म भी करता है, वह जितने भी इंद्रिय विषय हैं उसका भोग भी करता है, उसके साथ साथ तीन गुणों के वजह से वो सत्वगुण में रहता है तो भगवान की भक्ति करता है, रजोगुण में रहता है तो गुस्सा करता है, तमोगुण में रहता है तो आलसपन होता है। उसके पास 10 इंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियों से वो चीजों को ग्रहण करता है, पांच कर्म इंद्रियों से वो व्यक्ति कर्म करता है, फिर वह व्यक्ति इच्छा होने पर जो इच्छा पूर्ण करनी होती है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, किसी से घृणा करना होता है तो वह शरीर घृणा करता है, सुख के समय नाचता है दुख के समय बहुत दुखी होता है, जीवन और के लक्ष्य की ओर बढ़ता है और धैर्य भी रखता है, यह शरीर ये सारे कार्यों को करता है। तो ये सब इस क्षेत्र के कार्य हैं और उनकी अंतः क्रियाएं यानी उनके जो रेसिप्रोकेटिंग है मतलब कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उसको विकार कहा जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु करते हैं श्लोक नंबर 8 से 12 में, अमानित्व मदम्भी अत्व महिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरन विश्वंगः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्त्व चित्तत्व मिष्टानिष्टो पपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विवित्ति देशे वित्तवा मरति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो भगवान श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, हे अर्जुन, विनम्रता विनम्र होना, दम्भहीनता अहंकार का न होना, अहिंसा अहिंसा का पालन करना, सहिष्णुता जिसमें सहने की शक्ति हो, सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूहों से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अगर किसी व्यक्ति में वह अगर विनम्र है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं है, वो अगर अहिंसा का पालन करता है, वह सहिष्णु है, उनमें सरलता है पोलाइटनेस है, वह अगर किसी प्रमाणिक गुरु यानी जो चार परंपरा है उनके ही अकॉर्डिंग उन्होंने गुरु बनाया है, उनके अंदर शुद्धता है स्थिरता है, ऐसा नहीं कि 2 महीने किसी एक गुरु के पास फिर 2 महीने किसी दूसरे गुरु के पास, स्थिरता है अपने गुरु के मंत्रों पर पूर्ण भरोसा है, अपने गुरु पे भरोसा है, आत्म संयम है, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, संभाव रहते हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अपने इंद्रियों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाना, ना कि अपने ही सांसारिक सुख का भोग करने में लगाना, अहंकार का भाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग की दोषों की अनुभूति, वैराग्य गृहस्थ जीवन में रहकर भी संन्यास का अनुभव करना, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, संतान की ममता ममता से मुक्ति, स्त्री की ममता से मुक्ति, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी सभी सिचुएशन में संभाव रहना, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा करना,
जन समूह से विलगाओ, सदा भगवान का नित्य भजन करते रहना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, यह सबको प्रभु ज्ञान घोषित करते हैं, बाकी सबके सब अज्ञान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं, ज्ञेयम् यत तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सततं नासदुच्यते। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। अभी मैंने तुम्हें ज्ञान के विषय में बताया, ज्ञान क्या है, जो इस शरीर को और इस शरीर को जानने वालों को जो जानता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास क्या है, ज्ञान शरीर के बारे में और शरीर को जानने वाले यानी परमात्मा के बारे में, इस बॉडी के बारे में और परमात्मा के बारे में जो जानता है, उस जो ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान, भगवान का ज्ञान और शरीर का ज्ञान, उसको एक परम ज्ञान कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य सदन से परे स्थित है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो आत्मा है ना, ये अनादि है और ये आत्मा मेरे अधीन कार्य करती है, और इस संसार की जितने भी कार्यकलाप है, संसार के जितने भी कार्य हैं, उनसे मुक्त रहती है, ये मेरे अधीन कार्य करती है, लेकिन संसार के सभी कार्यों से मुक्त रहती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणि पादम ततस्त तत्से सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाता हूँ, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, यह जो आत्मा है मेरे अधीन रहती है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से मुक्त रहती है, सर्वे इंद्रियां गुणाभासम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्त्री च। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत हैं, परमात्मा यानी मैं समस्त इंद्रियों का मूल स्त्रोत हूँ, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। परमात्मा जो है समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत हैं, सब जितने भी इंद्रियां हैं सब परमात्मा से ही आती हैं, परंतु परमात्मा उन इंद्रियों से रहित रहते हैं, वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो परमात्मा है यानी चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु, वे समस्त इंद्रियों के मूल स्त्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त गुणों के स्वामी हैं परंतु वो तीनों गुणों से रहित हैं। ठीक है, और समस्त जीवों के पालन करता होने पर भी वो आसक्त नहीं है जीवों में, वो अनासक्त। ठीक है, जीवों में आसक्त नहीं हुए हैं परमात्मा, वो आसक्त हैं, जीव अलग है परमात्मा अलग है, परमात्मा ने ही सभी गुणों को जन्म दिया है, परंतु परमात्मा में कोई गुण वो गुणों से रहित है, वो तीनों गुणों से बहुत ऊपर है। परमात्मा ने ही समस्त इंद्रियों को जन्म दिया है, परंतु इंद्रियों से वो मुक्त हैं, जितने भी इंद्रियों के द्वारा सांसारिक इच्छाओं की जाती है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, परमात्मा उन सबसे मुक्त है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, चाहे चर हो चाहे अचर, परम सत्य यानी भगवान हम सबके बाहर और भीतर दोनों स्थित हैं, ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से पड़े हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो परम सत्य है ना, वो हम सभी के भीतर भी वास करते हैं, हम सबके बाहर भी वास करते हैं, हम उनको इन भौतिक सांसारिक इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, वे यद्यपि हमें लगता है दूर रहते हैं, परंतु हम सबके वो निकट हमारे हृदय में, दिल में वास करते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, कौन, भगवान कृष्ण समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ये हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनके स्रोत सोर्स कौन है, भगवान नारायण, ये भौतिक अंधकार से परे हैं, जो संसार के जो अंधकार हैं, हमारे मन में जो अज्ञान का अंधकार है उससे परे हैं, वे हमेशा हमारे अंधकार को दूर करते रहते हैं, वो ज्ञान है,
वो वही ज्ञान है, वही प्रभु जानने योग्य है और वही ज्ञान के लक्ष्य है। तो ये क्या है, जानने योग्य कौन है? भगवान श्री नारायण, वे सबके हृदय में स्थित है। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, फिर आगे प्रभु बोलते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन अब मैंने जो कर्म क्षेत्र के बारे में बता दिया, ये शरीर क्या है, क्षेत्र है, इसके द्वारा तुम कर्म करते हो। ठीक है, कौन कौन से कर्म करते हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां द्वारा जो भी कार्य करते हैं। ठीक है, जो भी तरह के हम इच्छाएं करते हैं उनकी पूर्ति के लिए कर्म करना, वो सारी के सारी क्षेत्र द्वारा कर्म किया जाता है। ज्ञान क्या है? भगवान और इस शरीर को जानने वाला जो ज्ञान है उसी को प्रभु कहते हैं ज्ञान। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा, शरीर और प्रभु को जानता है वो ज्ञान है, और इन सबों को जानने वाला ये क्या है, सबों को जानने वाला वो ज्ञाता और परमात्मा स्वयं ये है। अब भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें वही समझ सकता है जो मेरा संपूर्ण रूप से भक्त है और इस तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। जो प्रकृति है और जीव, इन दोनों को अनादि समझना चाहिए, इनका अंत नहीं। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन है। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है। जो भी नेचर है और जो जीव है, यानी जीवात्मा की बात हो रही है, वो हमेशा अनादि है। जीव तो नश्वर है लेकिन जीवात्मा वो अमर है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जनक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्त्री तत्व हेतु रुच्यते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकृति यानी नेचर है, जितने भी भौतिक कारण हैं, जो भी सांसारिक कारण है तथा जितने भी सांसारिक कार्य हैं, उन सब की हेतु कही जाती है, उन सबका परिणाम कहा जाता है, रिजल्ट कही जाती है। भगवान कहते हैं, जो नेचर है, जैसा हम कार्य करते हैं, जैसा हम काम करते हैं, वैसा ही नेचर हमको दिखाती है, वैसा ही नेचर हमको रिजल्ट देती है। और जीव यानी हम पुरुष इस संसार में, यानी जीवात्मा इस संसार में अलग अलग नाना प्रकार के सुख दुख का भोग करते रहती है, डिपेंड करता है उसने कैसा कर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, हम सुख दुख का भोग करते हैं और उसका रिजल्ट देने वाला कौन है? नेचर यानी प्रकृति। फिर आगे प्रभु कहते हैं, पुरुषः प्रकृति अस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य तदस्य द्योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, वह उस प्रकृति के साथ उनके संगति के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो तीन गुण मैंने बताए हैं, इस प्रकार जीव तीनों गुणों में भ्रमण करता रहता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण उसको बांधते हैं। अब सवाल आता है कि सतोगुण से तो प्रभु की भक्ति होती है, तो ये बांधता कैसे है? तो जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो उसे अहंकार हो जाता है कि हम भक्ति बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और नाना प्रकार के अहंकार के कारण वो भी निम्न योनि में गिरता है। ठीक है, सतोगुण के रहने के बावजूद भी उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तीनों गुणों से रहित नहीं है, जो मेरे भाव, मेरी भक्ति नहीं करता, निश्चल भक्ति नहीं करता, अहंकार रहित होकर, संशय रहित होकर मुझे नहीं भजता, वो व्यक्ति इन तीनों गुणों में रह रहकर अनेक निम्न योनियों में जन्म लेता रहता है और अपने कर्म का फल भुगतता रहता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तो भी इस शरीर के एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो आत्मा के साथ निवास करते हैं, वो परम स्वामी परमात्मा है और वे सदा ही हमारे शरीर जब तक रहता है तो हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे कर्मों को नोट करते रहते हैं और उसके हिसाब से भी हमको
परिणाम भी प्रदान करते हैं, और परिणाम नेचर के द्वारा हमको मिलता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो नेचर के बारे में जानता है, जीव तथा प्रकृति के गुणों के बारे में जान जाता है, उनकी विचारधारा को समझ जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, फिर वो व्यक्ति इस समय जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, वह उसका पूर्ण जन्म कभी नहीं होता। अब देखिए, तीन तरह के वर्शिप, तीन गुणों के हिसाब से, जैसे अगर सतोगुण में व्यक्ति है, रजोगुण में व्यक्ति है, या तमोगुण में व्यक्ति है, गुण के हिसाब से व्यक्ति की भक्ति भी होती है। अगर व्यक्ति सतोगुण में है तो भगवान कृष्ण की पूजा करता है, प्रभु की पूजा करता है। अगर रजोगुण में रहता है तो सांसारिक पुरुषों की पूजा करता है जो ताकतवर है, जैसे राजाओं का गुणगान करना, या किसी बड़े बाबा का गुणगान करना जो भगवान नहीं है, अपने आप को भगवान बोलता है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों का गुणगान करना। और जो तमोगुण में रहता है वो भूत प्रेतों की पूजा किया करता है। तो गुण के हिसाब से लोगों की भक्ति भी होती है, गुण के हिसाब से लोगों की इच्छा भी होती पढ़ने की। अगर सतोगुण में है तो हम भगवान की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। रजोगुण में है तो फिर हम हमेशा कैसी किताबें पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा इस सारी चीजों में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और तमोगुण पढ़ते हैं तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, भूतों की किताब पढ़ लेते हैं। और पढ़ने का पोस्चर, हम कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप लोग भगवद गीता सुन रहे हैं तो किस पोस्चर में आप लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा गुण है। अगर आप पूरे तरीके से चेयर पे बैठ के भगवद गीता सुन रहे हैं तो आपके अंदर सतोगुण है, अगर आप लेट के भगवद गीता सुन रहे हैं तो आपके अंदर रजोगुण है, और आपको सुनते सुनते नींद आ जा रही है तो आपके अंदर तमोगुण विद्यमान है। वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। अब देखिए, अगर व्यक्ति पेपर देता है, एग्जाम देता है, तो उसमें भी तीन गुण विद्यमान रहते हैं। जो व्यक्ति सतोगुण होता है तो आराम से जो उसको आता है उस प्रश्न का उत्तर देता है एग्जाम में, और अच्छे से लिखता है। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है वह चीट ले जाता है, चीटिंग करके लिखता है। और जो तमोगुण में होता है वह एग्जाम में जाते ही सो जाता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं। हमारे खान पान भी हमारे गुण के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सतोगुण में रहते हैं तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। रजोगुण रहते हैं तो फास्ट फूड, बाहर का खाना, होटलिंग खूब करते हैं। और तमोगुण में रहते हैं, मांस, मदिरा, मछली, जो मिल जाए वो खा लेते हैं, ठीक है। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं श्लोक नंबर 25 में, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को अपने भीतर देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा जान पाते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा जान पाते हैं, और कुछ लोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा जान पाते हैं। कई लोग हैं जो ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, कई लोग हैं जो निष्काम कर्मयोग को फॉलो करके भगवान का दर्शन करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में ज्ञान लेकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुष को श्रवण करने के मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, अभक्त लोग होते हैं, मेरी भक्ति नहीं करने वाले होते हैं, जो मुझे नहीं मानते, परंतु जब वो भगवान मेरे बारे में सुनते हैं, मेरी दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो उनको मुझसे प्रेम हो जाता है। वे भी जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ के मुझ तक पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण कपिल मुनि की मैया का हुआ, जो देवभूति मैया थी, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर कपिल मुनि जो कि स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, उनसे भगवान के बारे में सुन सुनकर उनको भगवान से प्रेम हो गया, और उनको भी उनकी भी मुक्ति हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आप सब भी जो है आप भगवद गीता सुन रहे हैं, तो सुन सुनकर ही, श्रवण से, जैसे कहा ना, श्रवण करने से ही हमें भगवान से प्रेम होता है। तो श्रवण करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर शुद्ध भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, ठीक है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं आगे श्लोक नंबर 27 में, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह जान लो
चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवान कहते हैं अर्जुन, चर यानी चलने वाला, अचर यानी स्थिर रहने वाला, ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है, जो भी तुम्हें दिखता है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। मतलब जो कर्म क्षेत्र को जानता है, जो क्षेत्र को ज्ञाता यानी परमात्मा का संयोग मात्र है, परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्तस्व विनिशयन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभु, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी जीवों में मेरे दर्शन करता है, परमात्मा के रूप में दर्शन करता है, जो हर किसी में आत्मा और परमात्मा दोनों को एक साथ देखता है कि आत्मा भी विद्यमान है और आत्मा को आत्मा के कर्मों को देखने वाले परमात्मा भी इसी हृदय में इस जीवों में विद्यमान है, वह व्यक्ति वास्तव में यथार्थ देखता है और कभी भी वह व्यक्ति विनष्ट नहीं होता, कभी भी उसका नाश नहीं होता, ठीक है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमात्मा को यत्र तत्र सर्वत्र देखता है तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा आपको अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतत्व को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो चाहे पशु पक्षी भूत प्रेत चांडाल सभी में परमात्मा को देखता है, निश्चित रूप से कभी भ्रष्ट नहीं होता, वह दिव्य गंतत्व को प्राप्त कर पाता है, ठीक है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर करता है, आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, तो वही यथार्थ देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ शरीर की ड्राइवर है और भगवान ऑब्जर्वर हैं, जो देखते हैं कि आत्मा किस तरीके से शरीर को लेकर जा रही है, उनके एक्शन को नोट डाउन करते हैं, और फिर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भगवान उसके अनुसार अच्छे या बुरे कर्म का फल देते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, आकाश वैसे सर्वव्यापी है परंतु वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, वह कभी जाके कहीं नेचर में मिलता नहीं है, परंतु उसी तरीके से ये जो आत्मा है शरीर में रहती है परंतु शरीर से लिप्त नहीं होती, शरीर से कभी मिलती नहीं है, ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूरज अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूरज इस समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सूरज जिस प्रकार ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है वो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से प्रकाशित करती है और चेतना प्रदान करती है। और आखिरी में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। एक चैप्टर नंबर 39 पे समाप्त होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। इस श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त करने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को
भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य या तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ दे। तो गुरु स्वीकार करना आवश्यक है, गुरु के अंडर ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। और जो व्यक्ति शरीर, शरीर के स्वामी और परमात्मा के ज्ञान को जानता है, वही यथार्थ जानता है और वही जान के व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। अब आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, देखिए करके आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं या अपने हैंड रेस कर सकते हैं। कोई प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित? अंश प्रभु जी, श्याम वर्ण मतलब क्या होता है? श्याम मतलब उनका थोड़ा सा जो मतलब कि उनका जो अपीयरेंस है ब्लू कलर का है, श्याम वर्ण। श्याम मतलब उनका अपीयरेंस ही डार्क ब्लू या ब्लू आप समझ सकते हैं। उनका नाम ही श्याम सुंदर है। श्याम मतलब ही होता है कि थोड़ा सा ब्लू, श्याम सुंदर, उनका अपीयरेंस ही ऐसा है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के हैं वो। जी प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न तो हैंड रेज कर सकते हैं आप या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, इस चैप्टर में ऐसा आपने बताया कि शरीर के अंदर आत्मा रहती है और उसके साथ परमात्मा भी निवास करते हैं। बिल्कुल। तो हम कभी परमात्मा को महसूस क्यों नहीं कर पाते प्रभु जी? जैसे मैंने आपको कल चैप्टर में बताया था, कल और उसके पहले के चैप्टर में, कि हम परमात्मा को या भगवान को तभी हम महसूस कर सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं जब हम उस चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत हम परमात्मा को जान पाएंगे, उसके लिए स्टेजेस होते हैं। जैसे 9 भक्ति बताई गई है, तो जब हम 9 स्टेजेस को फॉलो करते हैं, जब हम भजन सुनते हैं, उनको कीर्तन करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, फिर उसके बाद हम भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उनका अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में समर्पित कर देते हैं, जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, भक्ति के उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम हर जीवों में हम संभाव रखते हैं, किसी से घृणा नहीं करते। जब हमारा मन उतना शुद्ध हो जाता है, जब हम किसी से घृणा नहीं करते, जब हम किसी से द्वेष नहीं करते, हर किसी से चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबके साथ संभाव, सुख दुख में सेम भावना रखना, इस तरह की परिस्थिति जब हमारी पहुंच जाती है प्रभु जी, तो हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। देवंगी माता जी कहती हैं, हमने सुना है कि कभी भी माला या सिमरन काउंट करके नहीं करना चाहिए, बिकॉज भगवान हमें भी कुछ गिन कर या नाप तोल कर नहीं देते, तो उनका स्मरण भी लिमिट लाइक 2 या 5 ना करके ओपनली करना चाहिए। माता जी, मैंने आपको कहा था कि जैसे सबसे पहले तो स्मरण यानी हमें माला जाप अवश्य करना चाहिए, एक कम से कुछ नहीं तो एक जप माला अवश्य करनी चाहिए। एक जप माला करने में मुश्किल से 8 से 9 लगता है, तो एक जप माला हम सभी कर सकते हैं। तो एक जप माला करने से जैसे भगवान को याद तो हमेशा करना चाहिए, इसलिए कहा गया कि 16 माला जप हमको करना चाहिए भगवान का। लेकिन हम जब भक्ति की स्टार्टिंग में होते हैं तो एक एक माला जप करके स्टार्ट करते हैं, और निश्चित रूप से कुछ नहीं करें तो 1 माला जप और 5 भगवान का कीर्तन, ये बहुत है, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल तक हम जब बढ़ाएंगे तो अपने हमारी जो भगवान को याद करने का समय है वो भी बढ़ता जाएगा। भगवान के लिए हम भगवद गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, और जब ये पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग भक्ति में होती है तो धीरे धीरे हम उस
अपने आदतों को सुधारते हैं, क्योंकि तो कई समय से हमारी आदत एक ही बनी रहती है, उसको सुधारेंगे तभी हम आगे जाके भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति कर पाएंगे। और अंत समय में तो सभी को भगवान के 24 घंटा भक्ति करने चाहिए, लेकिन जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो स्टार्टिंग में निश्चित रूप से स्टार्टिंग हम 10 मिनट 15 मिनट की भक्ति से करते हैं। जी माता जी। प्रियदर्शी प्रभु जी पूछते हैं, प्रभु जी भगवान की उपासना करने के लिए नॉन वेज होना क्या बहुत ही जरूरी है? हम अगर वेज ना हो तो क्या उनके धर्म नहीं जा सकते? प्रभु जी धाम जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर हमें भगवान का लेकिन आप धाम पूछे, हमें लगा मंदिर पूछे, धाम बिल्कुल नहीं। नॉन वेजिटेरियन कभी भी उनके धाम नहीं जाए। सबसे पहले तो भगवान की पूजा करने की शर्त है कि आपको मांस मीट मछली अंडा कुछ नहीं खाना है। दूसरी चीज, शराब नहीं पीनी है। तीसरी चीज, जुआ नहीं खेलना है। चौथी चीज, अवैध संबंध नहीं रखना है। सोचिए ना प्रभु, आप अगर मांस मीट मछली खाते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई होगी कितना तड़पे होंगे। तो क्या ऐसी चीज हमें खानी चाहिए जिसमें किसी की तड़प हो, किसी की आह हो? खुद सोचिए, अगर हम अपने हमारे कोई बच्चे को मार डाले और उसे खाए, कितना बुरा लगता है। कोई हमको मार डाले, हमारे मांस को खाए, कितना बुरा लगेगा। जब ये पाप है तो जीव हत्या पाप क्यों नहीं? दूसरे के मांस को खाते हैं, दूसरे को मार के खाते हैं, ये कहां का धर्म है? वेदों में भी इसको, जो वेद है वेदों में भी इसको बैन किया हुआ है, फिर भी हम ये कार्य करते हैं सिर्फ जीव के लिए। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमने रामायण छोड़ दी, हमें श्रीमद् भागवतम छोड़ दी, हमने भागवत गीता पढ़ना छोड़ दिया है। यही कारण है कि हमारी ये हालत है आज। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी अगर ऐसा है तो हमने भी तो सुना है कि पेड़ों के अंदर भी प्राण होते हैं, तो वो भी तो खराब हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रभु जी, ना तो हमको वेज खाने चाहिए ना तो नॉन वेज खाना चाहिए। ठीक, क्या खाना चाहिए फिर? भगवान ने हम लोग के लिए सात्विक आहार बनाया है जो कि हमें पेड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन उनमें भी क्या होता है, जान होती है। इसलिए कहा गया है कि जो भी हम भगवान को सात्विक आहार खिलाएं, जो भी हम आहार खाएं, अगर भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं, हमने भगवद गीता में पढ़ा है भगवान को अर्पण किए बिना अगर खाया जाता है वो पाप होता है, क्योंकि उसमें भी जान होती है। लेकिन अगर उस चीजों को भगवान को हम अर्पण कर देते हैं, भगवान हमेशा सात्विक आहार स्वीकार करते हैं प्रभु जी, तो भगवान ने हम सबके लिए क्या बनाया है, प्लांट के थ्रू जो भी चीज हमें मिलती है, ठीक है, वो चीजें हम भगवान ने हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन उसमें भी पाप होता है। तो वो जो पाप है उसको हटाने के लिए अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद के रूप में खाते हैं तो उसका हमें पाप नहीं लगता प्रभु जी। अगर हम खाने के समय वो जो बोल रहे थे ना अगले पहले के चैप्टर में के हम अगर जो भी काम करे भगवान के नाम लेके करे, मतलब अकर्म करके करे, तो वो हमको भगवान धाम मिलता है, तो वो भी तो एक अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने वहां पे कंडीशन भी बताई थी प्रभु जी कि अगर आप बुरे काम करेंगे भगवान का नाम लेंगे थोड़ी मिलेगा। अच्छे काम के लिए भगवान का नाम लें, सात्विक खाने को भगवान को अर्पण करें, तो ये स्थिति है। मैंने वहां पे कंडीशन भी बताई थी आपको कि अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म अगर भगवान को याद करके करेंगे तो उसका फायदा है, बुरे कर्म करेंगे तो उसका हमें चार गुना और भोगना पड़ता है प्रभु जी। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक विचार एवं सात्विक कर्म हमारे होने चाहिए। जी प्रभु। और प्रभु जी मेरा एक और सवाल था कि मैंने कहीं पर सुना है कि ये पूरा जो महामंत्र जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बदले में अगर एक बार राधा का नाम लिया जाए तो वो बहुत संख्यक महामंत्र का जाप के समान है, यह क्या ये सच है? प्रभु जी राधा जी का नाम तो सर्वथा बहुत उपयोगी है, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमें भगवान कृष्ण ने ही दिया है। जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे 500 साल पहले आज से, तो उन्होंने ही हमें कहा है कि आप हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र को जपिए। तो भगवान कृष्ण ने ही ये मंत्र को दिया है, तो इसलिए हम इस मंत्र को जपते हैं प्रभु जी। अच्छा, तो वो बात और ये बात दोनों क्या सही है, कि क्या बोलूं मैं, मतलब कौन सा जपना ज्यादा अच्छा रहता है? प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे राधा, सिर्फ राधा नाम से ही कई पापों से मुक्ति हो जाती है, लेकिन अगर हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं,
ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र में ही राधे का नाम है। देखिए हरे कृष्णा, हरे क्या है, राधा जी, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, तो हरे इसमें राधा कृष्ण जी है। और जब राम का नाम लेते हैं तो उससे पहले जो हरे आता है वो सीता जी है, तो राधा कृष्ण सीता राम दोनों हम साथ ही नाम लेते हैं प्रभु जी। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, इसमें राधा सीता भी नहीं है, राधा जी भी है, सीता जी भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, तो सबका नाम एक साथ हो जाता है प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। देवांगी प्रभु जी कहते हैं, गुरु जी मैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अगर पॉसिबल हो तो रामायण का भी ऐसे ही ज्ञान देना, आप हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भगवान के साथ जुड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। माता जी बिल्कुल, अभी तो खैर भगवद गीता का क्लास ही चलता है ना, अभी श्रीमद् भागवतम चल रहा है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में रामायण का भी वर्णन आएगा और इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन आएगा। अभी श्रीमद् भागवतम मैंने स्टार्ट किया है तो उसमें संपूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन है, तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य कर लें। मैं यूट्यूब चैनल एक बार फिर से दे देता हूँ, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम चल रहा है, वहां पे रोज कुछ ना कुछ श्लोक मैंने श्रीमद् भागवतम का लेता हूँ और वहां पे आप नित्य प्रतिदिन आके श्लोक को सुनिए। हाँ, बहुत लंबा चैप्टर है, 1 से 2 साल 3 साल भागवतम में लगेगा, रोज कम से कम सुनिए। इसमें रामायण की भी चर्चा होगी, भगवान कृष्ण की लीलाओं की भी चर्चा होगी। अच्छे से इसको जब आप सुनिएगा, अच्छे से आप सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपको अपने आपके जीवन में फायदा होगा। जी माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी और एक बात कि आप चैप्टर 10 से चैप्टर 12 तक एक बार शॉर्ट में बोलेंगे, मतलब मैंने क्लास वो किया नहीं है, थोड़ा आज बैठूंगा। ठीक है, आप चाहे तो यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, वो देख रहे थे कल, आज 9 चैप्टर देखा है, बाकी चैप्टर शॉर्ट में बोलेंगे। देखिए चैप्टर 10-12 में यही है, चैप्टर 10 में हमने देखा भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में अर्जुन से चर्चा करते हैं कि मैं किन किन प्रमुख चीजों में हूँ। जैसे भगवान प्रकाश में है, मनुष्य में भगवान राजा है, और पांडव जितने भी आप कह सकते हैं प्रमुख, अगर हम वसुओं की बात करें तो भगवान विष्णु है। तो अलग अलग चीजों में भगवान किन किन चीजों में प्रमुख रूप से क्या है, उन बारे में उनके बारे में डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 11 में भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन जब यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए, तो इसलिए प्रभु यहाँ पे प्रार्थना करते हैं अर्जुन प्रभु से कि वो जानना चाहते हैं, उनको मालूम है कि उनका मोह दूर हो गया है, परंतु संसार वाले भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति न समझे, इसलिए उनसे कहते हैं प्रभु मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। तो भगवान जब विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगता है कि इतना विराट स्वरूप भगवान का देखा है, जिनका लाखों मुंह है, अनगिनत मुंह है, लाखों क्या, अनगिनत मुंह, अनगिनत उदर और अनगिनत उनकी विराट स्वरूप है, और जहां पे भगवान का जो तेज है हजारों सूर्यों के चमकने के बराबर है। इस प्रकार से भगवान को देखकर अर्जुन जब पूछता है कि प्रभु आप कौन हैं, तो भगवान बोलते हैं कि मैं काल हूँ, मैं यहाँ पर सभी का वध करने के लिए आया हूँ, सिर्फ तुम पांडव, 5 पांडव इस युद्ध भूमि में बचोगे, और अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, मैं इन सब पहले ही मार चुका हूँ, अब तुम निमित्त बन के इन सब का वध करो। तो यहाँ पे अर्जुन संकल्प लेता है कि मैं वध करूंगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में कल हमने भक्ति योग के बारे में सीखा, जहाँ पे हमने देखा कि नौदा भक्ति से किस तरीके से भगवान की भक्ति में जो स्टार्टिंग में आता है, नौदा भक्ति से श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये 9 तरह की भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं। और यहाँ पे अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे कि प्रभु ये निर्विशेषवादी और सगुणवादी, जो भगवान को साकार रूप में पूछते हैं और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जो लोग भगवान को एनर्जी के रूप में पूछते हैं, तो वे दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान ने कहा जो भक्ति योग करने वाला व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद भक्ति योग के बारे में बहुत सारी चीज भगवान ने बताई है। ये तो शॉर्ट में था, आप डिटेल रूप में पूरी तरीके से आप यूट्यूब पे देखिएगा तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रभु जी जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास में ही पेंड करता हूँ, कल फिर हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है।
तो कल मिलेंगे और कल उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का चैप्टर नंबर 13 यहीं पेंड होता है और आप लोग उसका क्विज कर लीजिएगा। क्विज का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा और वहां से क्विज करके फिर कल चैप्टर नंबर 14 में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।